नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स विद मी के अंदर। और आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है कि RSMSSB के द्वारा जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के 4 ब्रांचेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उसके बाद जो ब्रांचेज यहाँ पे बच गई थी, जैसे कि मैकेनिक डीजल है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, WCS है, इस तरह से वायरमैन है, इस तरह से जो भी यहाँ पे जो ब्रांचेज बच गई थी बोर्ड के द्वारा, उनकी जो एग्ज़ाम तिथि है उनको भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। उसके नोटिस तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, RSMSSB के ऊपर, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी तिथि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा तय की गई है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत ही कम समय यहाँ पे बचा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करके जाना है, क्योंकि ये मौका बार बार आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले भी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के आने वाले सभी भर्तियों की जानकारी मैं आपको यहां पर देता रहूं, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर ये क्रोम ब्राउजर इस तरह से ओपन करना है, और यहां पे दोस्तों आपको लिखना है RSMSSB। मैंने पहले से ये वेबसाइट खोली हुई थी, तो इसका न्यूज़ नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका न्यूज़ और नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ गया है, तो इसके अंदर देखिए आज ही ये अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट हुआ है, एग्जाम डेट ऑफ वेरियस एग्जाम्स। तो देखिए इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन इसके नीचे आ गया है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से नोटिस आ जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं आप यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे नोटिस आ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माह जुलाई 2019 में आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार है। देखिए किस किस का है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन का यहाँ पे फोरम जो है उसकी डेट यहाँ पे दर्शाई गई है। सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम है वो दोस्तों 20 जुलाई को यहाँ पे होने वाला है, शनिवार को प्रातः सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ पे दोस्तों, तो इसका एग्ज़ाम भी 20 जुलाई को ही है, और ये शाम को 3 बजे से 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे बात करूँ कि कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग यानी कि RSC की, तो इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो 21 जुलाई को यहां पे रहने वाला है, जो कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन की यहाँ पे, तो 21 जुलाई 2019 को ही इसका एग्जाम है, शाम को 3 बजे से 6 बजे। और इसके बाद WCS की, जो कि काफ़ी बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था यहाँ पे, जिसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों 6 दिन बाद है इनसे, 27 जुलाई को इनका एग्ज़ाम जो है शनिवार को कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बीच में दोस्तों स्कूल वगैरह की छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए शनिवार और रविवार को ही आपके एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक 27 तारीख को यहाँ पे WCS का एग्ज़ाम जो होगा। और इसके बाद है हाथकरघा निरीक्षक, ये थोड़ा अलग विभाग है उद्योग विभाग के अंदर, जिसका एग्ज़ाम जो है 27 जुलाई को ही शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। और लवण निरीक्षक का भी यहाँ पर 28 तारीख को है दोस्तों, 28 जुलाई को ही सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और इन्वेस्टिगेटर का, कृषि विभाग के अंदर इन्वेस्टिगेटर की जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो यहाँ पे 28 जुलाई को शाम को 3 बजे से 6 बजे तक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी जो है समझ में आ गई होंगी डेट्स हैं, और अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ किन परीक्षाओं के लिए, जो एडमिट कार्ड के लिए जो तिथि है वो अलग से बोर्ड यहाँ पर नोटिस जारी करेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर जरूर जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इनके जो आगे एडमिट कार्ड हैं वो कब मिलेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी, जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे आपको मैं तुरंत यहाँ पे सूचित कर दूंगा कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे एक अलग से वीडियो और लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको इसके अंदर तैयारी करनी है, और आपको 150 में से अच्छे मार्क्स यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करने हैं। और आपको ये भी बताऊँगा कि CTI का इसके अंदर क्या रोल है, और बिना CTI वालों का इसके अंदर क्या रोल है, कितने कैंडिडेट किस ब्रांच के अंदर CTI हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, आपको मैं आगे ज़रूर जानकारी दूंगा इस बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।